सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि लगेज के बारे में, कि मैं कितना लगेज लाया था, आपको क्वारंटाइन में क्या क्या लगेज में लाना चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लगेज, और थोड़ा ब्रीफ में कि मैंने लगेज कहाँ से बाय किया था, एंड सो ऑल दैट स्टफ वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो दैट अगर आप आ रहे हो तो आपको कैसा लगेज लेना चाहिए, क्या क्या सामान लेना चाहिए, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे। So without wasting time, let's begin. So, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द चेक इन बैग। तो एयर इंडिया में तो 3 चेक इन बैग अलाउड थे, मीन्स 2 चेक इन बैग अलाउ होते हैं, और अगर आप स्टूडेंट का कोड डालोगे तो चेक इन बैग 3 अलाउ करते हैं, और 1 केबिन बैग जो अराउंड 55 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, और 1 बैकपैक। तो सो इतना स्टफ आप लेके आ सकते हो। इवन अगर आप एमिरेट्स से आ रहे हो तो उसमें भी 3 बैगेज अलाउंस होता है अगर आप स्टूडेंट को डालते हो तो। सो ये बैगेज मुझे पड़ी थी अराउंड, ये सफारी की बैग है, मुझे अराउंड फ्लिपकार्ट से मैंने ली थी, तो उसके 2400 रुपीज थे। ये मैगनन की बैग थी, ये भी अराउंड फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में ली थी, अराउंड 1800 रुपीज की थी। और ये बैग जो लास्ट में है वो मैंने लास्ट टाइम इमरजेंसी पैकिंग की थी, क्योंकि एयर इंडिया में जाना था, फिर वैसा बुक किया क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, इसलिए ओनली एयर इंडिया अलाउड थी, इसलिए ये मैंने नेशनल हैंडलूम से लास्ट में ली थी अराउंड 1200 रुपीज की, और इसमें सिर्फ 2 व्हील्स है तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। अगर आप बैग ले तो ऑलमोस्ट 4 व्हील्स वाले ले ही, जैसे ये दोनों बैग है इसमें 4 व्हील्स है, और इजी होता है क्योंकि आप 4-3 बैग लेके ट्रैवल करोगे, यानी ऑलमोस्ट पैकिंग कार तक भी आप ले जाओगे तो थोड़ा टफ हो जाता है। ये मेरी केबिन बैग थी, और ये बैग भी मुझे अराउंड 800 रुपीज में ही आ गई थी, बिकॉज मैंने फ्लिपकार्ट से सेल में मंगवाया था। एंड दिस इज द लैपटॉप बैकपैक। तो ये लैपटॉप बैकपैक आप मेक श्योर अच्छा ले, तो क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, लैपटॉप भी होता है, और आपको फ्लाइट के ऊपर रखना होता है। तो ये मैंने नेशनल हैंडलूम से लिया था अराउंड 1100 रुपीज का। सो अगर आप अहमदाबाद से हो तो आपके लिए बहुत ऑप्शन होगी, आप डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में जाओगे। अगर आप गुजरात से हो तो एक बार अहमदाबाद में आके आपकी शॉपिंग करना, क्योंकि आपको अच्छा रहेगा। सो इस केबिन बैग जो ये आपका बैकपैक होगा, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखने होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये सब केबिन बैग में आप रखना। जैसे कि मैं ये लैपटॉप था, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स है, सो ये जो भी फाइल है वो आप बना लाना, क्योंकि फाइल बहुत जरूरी होती है दिखाने के लिए। फिर ये स्टिकी नोट्स, अगर आप स्टिकी नोट्स डेली नोट्स बनाते हो तो टू डे लिस्ट के लिए। देन अगर आप डायरी लिखते हो तो डायरी भी अच्छा रहेगा। फिर एक पाउच में थोड़ा कुछ पेन और वो सब कर देना, और ये तो पाउच तो मेरी बहन ने बना दिया था, क्योंकि बॉयज का तो सीन स्टेशनरी में बहुत बुरा होता है, गर्ल्स का अच्छा काम होता है स्टेशनरी वो सब चीज में। फिर एक फोन कवर भी ले आना, क्योंकि यहाँ फोन कवर बहुत महंगे मिलते हैं। ट्रैवल एडाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ट्रैवल एडाप्टर का आप यूज करोगे और अच्छा लेके आना। और मैं सारी जब चीज होगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कोई भी चीज, वो नीचे लिंक डाल दूंगा अमेजोन की, आप वहां से बाय कर देना, मेरे लिंक होगी उससे बाय करना। फिर आप दो आपके चश्मे लेके आना, मींस अगर आपके ग्लासेस पहनते हो तो 2 पेयर लेके आना, और मैंने एक गॉगल्स वाला भी कराया थे तो एक गॉगल्स वाला लेके आना। और ऑलमोस्ट अगर आप अभी लेंस कार्ड से मंगवाते हो अभी, ऑलमोस्ट लेंस कार्ड ने इस पूरे साल 1+1 फ्री दिया ही है, तो आप लेंस कार्ड से मंगवा सकते हो। मैंने भी 2 पेयर मंगा लिए थे, और एक गॉगल्स वाले मंगवाए थे, सो आप वहां से ऑर्डर कर देना, एंड चीप रहेगा और कन्वीनियंट रहेगा। नेक्स्ट इज मैंने हार्ड डिस्क, फिर हेयर ड्रायर और ट्रिमर जो बैग में है वो सब बैग में रखा था। तो मेक श्योर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है वो सब आप आपके लैपटॉप बैग में रखें। नेक्स्ट इज आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हैंड्स फ्री भी लेके आना, और आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो वो लेके आना, लेकिन वो सब आप
लैपटॉप बैकपैक में रखना है, क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी चेक करवाना होगा तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे और वो ट्रे में रखना होगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फिर निकाल के रखना होगा। और अहमदाबाद और दिल्ली दोनों जगह ये आइटम्स आपको निकालनी होती है, मीन्स जहाँ भी आप फ्लाइट ट्रांसफर करोगे, चेंज करोगे, वहाँ आपको ये आइटम्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम निकाल के चेक करवानी होती है। फिर ये छोटा सा मोबाइल का स्टैंड है, ये अराउंड 19 रुपीज का था, मैंने डीमार्ट से ले आया, दो पेयर थे। और कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 19 का था, एंड दिस वाज अराउंड 400, दो पेयर जो थे अराउंड 800 रुपीज के। और गॉगल्स 2200, मीन्स अराउंड 400 के। ग्लासेस हुए फोन कवर 100 का, और ये तो मेरे पास था ही पहले से, 4000 की आती है, 3500 जैसे की। तो आप मेक श्योर हार्ड डिस्क हो तो आप लेके आना, अदरवाइज यहाँ भी कन्वीनियंट चीप मिलते हैं, तो चार्जर मत भूलना, मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज मैं पावर बैंक भूल गया था आपको बताना, पावर बैंक प्लीज लेके आना 20,000 mAh की, और आप कोई भी ले आ सकते हो, पावर बैंक, एम्बेंसिस का सब बेस्ट है, रेडमी की तो सबसे बेस्ट है। और ये केबल एक्स्ट्रा टाइप सी लेके आना, क्योंकि अब टाइप सी में फास्ट चार्जिंग होता है, तो टाइप सी वुड बी द बेस्ट। तो मैंने एक एक्स्ट्रा केबल भी लेके आया था मैं, और पुराना भी फोन के चार्जर में भी है। एक पेन ड्राइव भी ले आना इफ यू वांट, अगर आपके पास पड़ी है तो पेन ड्राइव भी मत छोड़ना, लेके आना। नेक्स्ट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है तो आप लेके आइए, मेरे कोर्स में तो रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि मैं फिटनेस एंड हेल्थ की फील्ड में हूँ, तो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं होती है। और अगर आप बिजनेस से हो तो आप आपका बिजनेस कैलकुलेटर भी ले आ सकते हो, मेरा फ्रेंड अभी बिजनेस का है, तो बिजनेस का कैलकुलेटर भी डिफरेंट आता है, सो आप वो भी लेके आ सकते हो। और बैकपैक में एक खाली वाटर बॉटल भी ले आना। सो आपको क्या एयरपोर्ट में कभी कहीं पानी मिले तो आप पानी इजीली भर पाओगे, सो एक वाटर बॉटल भी खास लेके आना आपके बैकपैक में। सो ऐसी बॉटल लेके आना, मैं तो डीमार्ट से लाया था, और टेम्पररी लेके आना। या और मेक श्योर आपका चार्जर आप जाओ लाओ, तो ये जो अगर आपका लैपटॉप का चार्जर है, और इस लैपटॉप के चार्जर में जो पावर केबल होता है वो आप कैनेडियन केबल ले आओ तो आपको बेनिफिट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से डिटैच होता है, तो अगर आप कनाडा के हिसाब से आप ये दूसरा लेके आओ तो आपको बेनिफिट रहेगा, बार बार आपको जो एडेप्टर होता है वो नहीं लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप कैनेडियन आता है पावर केबल, मेरा फ्रेंड लेके आया था लेकिन मैंने ये मिस्टेक कर दी, तो वो पूरा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट यहाँ से, तो आप मेक श्योर वो लेके आना। सो गाइज यस, इस हिसाब से होता है, तो उसकी पिन कैनेडियन जो आपका लैपटॉप होगा उसका पावर केबल इस हिसाब से होगा, तो मेक श्योर अगर आपका ऐसा हो तो आप कंप्यूटर शॉप से आप लेके आना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आप प्लग एंड प्ले कर पाओगे और आपको हर जगह पावर एडाप्टर नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैबिन बैग में। तो कैबिन बैग में आप थोड़े इजीली एक्सेसिबल सामान रखना, जैसे कि थोड़ा नाश्ता जो एकदम इजीली एक्सेसिबल हो जाए, फिर एक दो हुडी रख देना, क्योंकि अगर आप कनाडा जाओगे, इंडिया से तो गर्मी होगी बहुत, लेकिन आप कनाडा जाओगे तो आपको ठंड लगेगी, तो एक हुडी आप कैबिन बैग से निकाल के आप पहन पाओगे। या तो फिर यहाँ से भी आप हुडी जैकेट तो लेके जाओगे, लेकिन बैग पे वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैबिन बैग के बारे में। तो कैबिन बैग में मैं एक तो लाया था, एक टिफिन लाया था मेरा, क्योंकि टिफिन अगर आपको कहीं खाना हो तो आप खा सकते हो, और फ्लाइट में आपको खाने की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इवन आपको होटल क्वारंटाइन होगा तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर लोगों का जो ले ओवर होता है तो वहाँ कैबिन बैग इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कैबिन बैग में ही सब सामान रखते हैं, इसलिए कैबिन बैग में सब लेके आते हैं। और अभी तो ले ओवर है नहीं, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट बहुत कम होगी, और कनेक्टिंग फ्लाइट होगी तो भी आपको घूमना तो नहीं मिलेगा, इसलिए। सो इसके अंदर मैं लाया था थोड़ा मेरे शूज शूज, फिर एक छोटा जैकेट, बॉडी वार्मर, और सो उस कैबिन बैग में मैं लेके आया था मेरे शूज, हुडी, बॉडी वार्मर, फिर लेंस कार्ट के तीन पेयर थे, तो दो
एक पैर इसमें था एंड मेडिसिन, यस मेडिसिन का एक एक पाउच बना देना और वो ला देना। फिर थोड़े और फिर ब्रश और टूथपेस्ट सब मैंने कैबिन बैग में रखा था। तो ऑलमोस्ट मेरा कैबिन बैग का तो सिक्योरिटी का चेक ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरा कैबिन बैग एयर इंडिया वालों ने बोर्डिंग के टाइम ही ले लिया था। उन लोगों ने बोला कि ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम कैबिन बैग भी आपका ले जाएंगे। सो सिक्योरिटी चेक में तो मैंने मेरा कैबिन बैग नहीं दिया था। बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेके आना, और यस प्रिस्क्रिप्शन के साथ प्लीज लेके आना, क्योंकि वो मांगते हैं, मेरा नहीं मांगा था और पहले सबने बोला है कि मांगते थे, इसलिए आप मेक श्योर आप लेके आओ। और अगर कॉमन ड्रग होगी तो वो आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी लेके आ सकते हो, पर आप फार्मेसी का बिल लेके आना। नेक्स्ट इज एक अम्ब्रेला, एक बेल्ट आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर मास्क का पूरा पैकेट लेके आना, 20 मास्क लेके आना आप, और टूथब्रश हो तो टूथब्रश का पूरा पैकेट 6 पैकेट वाला लेके आना, और टूथपेस्ट भी 3-4 टूथपेस्ट लेके आना, और टूथपेस्ट भी 2-3 लेके आना। नेक्स्ट इज गाइस फूड सेक्शन में, तो आप पूरा एक कैबिन बैग होगा, चेक इन बैग होगा, तो उसमें ज्यादा खाना लेके आना, क्योंकि आप क्वारंटाइन हो रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप जितना बने उतना खाना लेके आना। और पल्सिस मैं तो लेके आया था, पल्सिस लेके आया था, देन जो रेडीमेड फूड होता है, जो मेरा मेरा फ्रेंड रेडीमेड फूड लेके आया था, तो इट इज बेटर कि आप वो लेके आओ, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। इवन राइस उसके रेडीमेड फूड में जो पूरा छोले होता है वो आप यहाँ ओवन में रख दिया और प्रिपेयर हो गया, सो बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल फूड में आप पल्सिस लेके आना, फिर खाखरा, फिर थेपला, वो क्या रेडीमेड करवा दोगे तो आपके क्वारंटाइन में सुबह का नाश्ता हो जाएगा। फिर चाय, टी, कॉफी वो भी लेके आना। फिर ये देखो खाखरा है, फिर मैं पापड़ भी लेके आ रहा है, पापड़ की सब्जी भी हो जाती है। फिर मैगी के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर लेके आना, कोई मैगी मसाला ओट्स, फिर मसाला ओट्स लेके आना, मैगी में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, आटा नूडल्स जो भी हो वो सब लेके आना। फिर मसाला तो रई जीरा जो भी मसाला है सब लेके आना, रई जीरा, फिर ये रतलामी सेव, फिर दाल जितने टाइप के आते हैं वो सारी दाल लेके आना, और मसाला के जितने बने इतने छोटे पैकेट्स लेके आना, क्योंकि वो बेस्ट रहता है। मेरा पैकिंग तो सारा निकल गया है, तो आप ये सेव है, ये तो लेमन स्क्वीजर भी लेके आना, फिर चाय है, चाय लेके आना, तो जो भी लोग, ये तो राइस है, ऑलमोस्ट मुझे सबने बोला कि आप राइस नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो सीट्स में आते हैं, लेकिन मैं तो लेके आया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आप ध्यान रखना। और ये पूरा पैकिंग था ना, इसलिए कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आप कुछ भी चीज लाओ तो पूरा पैकिंग होना चाहिए। ये है, फिर ये है बेसन, फिर चिली पाउडर, देन ये उत्तपम, रेडीमेड उत्तपम, ये नेशनल हैंडलूम से लिया है। फिर ये बॉक्स लेके आना, बॉक्स में फिर दाल रखते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स भी लाना, बड़े बड़े बॉक्स भी लाना, देखो ऐसे छोटे बॉक्स भी है, ऐसा बड़ा बॉक्स भी है, तो ऐसा छोटे बॉक्स और बड़े बॉक्स दोनों लेके आना। फिर यहाँ चना दाल, तो जो भी है सब पैकिंग लेके आना, और एकदम लास्ट फ्रेश पैक लेके आना। ये मैक्रोनी है, तो जो भी मसाला दाल वो हो सब लेके आना, लेकिन फ्लोर जैसा चीज कुछ नहीं लाना, व्हाइट पाउडर जैसे सॉल्ट है, शुगर है, वो मत लेके आना, आपको कुछ इश्यू ना हो वो आपको ध्यान रखना होता। फिर ये है सोया चंक्स, सोया बड़ी, ये तो प्रोटीन बार है, ये तो मुझे एयरपोर्ट में मिला था, फ्लाइट में दिया था। ये तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट है, आपको कोई जरूर नहीं है, ये तो मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ इसलिए ये वेट लिफ्टिंग बेल्ट है। फिर ये स्पून काटे सब लेके आना, साइड में रख देना, इसलिए क्या ज्यादा जगह नहीं लेगी। और ये सारे यूटेंसिल सब लेके आना, ये बड़ा चम्मच है, ये स्पून काटे, फिर ये हुडी, और ये दो सूटकेस, ये दो सूट है ब्लेजर, सो लेके आना, आपको जो लाना है वो आप लेके आना। फिर 3-4 कैप्स और हैट,
अगर आपको चाहिए तो हैट भी और कैप लेके आना, और एक विंटर कैप भी लेके आना, क्योंकि आपको प्रिवेंट करेगी यहाँ की ठंडी से स्टार्टिंग में, तो बहुत वो लेके आना। नेक्स्ट, अब सेकेंड बैग की बात करते हैं। सो जो क्लोथ्स आपके जो क्लोथ्स हो वो लेके आना एज यू विश, जो आपके क्लोथ्स हो वो लेके आना, जितने भी कैजुअल क्लोथ्स होंगे वो आप लेके आ सकते हो, और एक ट्रेडिशनल वेयर लेके आना, फियास ये चॉपर लेके आना। आपको कटिंग में बहुत आराम होता है, ये चॉपर से सब फास्ट हो जाता है। मैं तो दो लेके आया हूँ क्योंकि मेरा बहुत रफ यूसेज होता है, तो दो लेके आया हूँ मैं तो। एक ग्लास, फिर ईयरबड्स, टी स्ट्रेनर, बेडशीट, तो मैं ऐसे बेडशीट दो लेके आया हूँ, पूरा सेट दो लेके आया हूँ। एंड यस, बॉडी वार्मर आप प्लीज लेके आओ, मैं तो बोल रहा हूँ 3 पेयर्स लेके आओ या तो फिर 2 पेयर लेके आओ, बहुत काम आएगा आपको। एक रेनकोट लेके आया हूँ, देन ये सोप बॉक्स, सोप लक्स, अदर क्लोथ्स। सो ऐसे क्लोथ्स में आप, सो आप कुकिंग के यूटेंसिल्स भी सारे लेके आना, मैं तो सारे कुकिंग के यूटेंसिल्स लेके आया था। फिर अब हम हमारा लास्ट बॉक्स अनबॉक्स कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें भी वही सामान होगा, क्लोथ्स। तो ये चकला बेलन भी आप लेके आना, मसाला बॉक्स भी लेके आना, वो मैंने यूज में ले लिया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही यूज में आ जाता है वो मसाला रखने का। फिर क्लोथ्स भी आपके, टी शर्ट तो आप 10 पेयर्स लेके आना, क्योंकि यार 10 दिन आप कपड़े नहीं धोओगे, तो 10 डेज के लिए टी शर्ट। ये पीलो है, इसमें हवा भरना होता है, 125 रुपये का हैंडलूम से मैं लेके आया था, इतना कंफर्टेबल नहीं है लेकिन चल जाता है। तो आप वैक्यूम वाला कोई लेके आना अच्छा, फिर टी शर्ट आप 10-15 लेके ही आना क्योंकि बहुत जरूरी होती है। फिर हुडी भी 3-4 लेके ही आना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हुडी भी यहाँ से भी मिल जाएगी, लेकिन अभी क्वारंटाइन में अच्छा रहेगा कि आप वहां से एक हुडी लेके आओ। फिर फॉर्मल्स कपड़े भी लेके आना। फिर इसमें आपकी कढ़ाई तवा वो सब, और कुकर भी लेके आना। ये 3 पेयर ऑफ सॉक्स मैंने डीमार्ट से लिए थे, लोफर सॉक्स, फिर दूसरे सॉक्स भी आते हैं वो भी ले लिए, और अमेजोन से विंटर सॉक्स आते हैं वो भी ले लिए। तो सारे जो अवेलेबल होंगे उसके मैं लिंक नीचे डाल दूंगा अमेजोन की। और ये टूथ ब्रश भी 6 पेयर्स, ग्लास, फिर राजमा, वाघ बकरी चा, फिर ब्रश, जो भी सब चीजें वो आप लेके आना, सोप। और आप 14 डेज का तो ध्यान में ही रखना क्योंकि ऑलमोस्ट सामान यहाँ मिलता है, लेकिन आपको 14 डेज का भी अरेंजमेंट करना होता है। टॉवेल, दो टॉवेल लेके ही आना प्लीज। फिर ये देसी गुड़ है, जैगरी, ये प्लीज लेके आओ। ये स्टेपलर, सुई धागा, फिर स्टेपलर की पिन और सीजर, वो सब भी लेके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विंटर सॉक्स आ गए। देन ये है हनी, सो टूथपेस्ट, दो टूथपेस्ट लेके आया था। हनी बहुत छोटा है क्योंकि लिक्विड ज्यादा आप नहीं ले के आ सकते, दैट्स इट। सो ओवरऑल ये सब चीज लेके आया हूँ मैं। एंड यस, ऐसी डिश में ऐसी सेक्शन वाली 2 डिश लेके आया था और एक बड़ी डिश लेके आया हूँ। सो मेक श्योर आपका मेन गोल ऐसा रहना चाहिए कि 14 डेज का आपका पूरा अरेंजमेंट हो जाए, 14 डेज के आपके कपड़े, क्योंकि अगर आप जहाँ क्वारंटीन हो रहे हो वो वॉशिंग मशीन नहीं होगा, तो आपको उस हिसाब से आपको टी शर्ट और क्लोथ्स आप लेके आना। और फिर ग्रोसरी भी, अगर आप क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड लेके आना, क्योंकि यह ऑनलाइन में भी अगर आप गूगल प्ले स्टोर में आप ऐप इंस्टॉल करने जाओगे वॉलमार्ट की, तो स्टार्टिंग में तो विदाउट क्रेडिट कार्ड या स्टार्टिंग में प्ले स्टोर में वो अपडेट नहीं होता है, डायरेक्ट आप वॉलमार्ट और वो सब डाउनलोड नहीं कर सकते। एंड आप दूसरा ऑप्शन होगा कि आप आपके फ्रेंड से ग्रोसरी मंगवा लें, क्योंकि आपके फ्रेंड भी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको ग्रोसरी दे जाए तो बहुत आराम होता है, किचन की फैसिलिटी होगी तो बहुत बेस्ट है। एंड आपके आप जहाँ क्वारंटीन हुए हैं
वहाँ आप ओनर से भी पूछ सकते हो कि हमें ग्रोसरी का अरेंजमेंट कर दो तो बेस्ट रहता है। सो एक फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, तो इस क्वारंटीन टाइम में फूड का ध्यान रखना। एंड यस, टिफिन वुड बी अ ग्रेट चॉइस। अगर यहाँ अराउंड $10 का टिफिन आ जाता है तो मेक श्योर आप गूगल पे सर्च करें एंड किसी को पूछे, रेफरेंस लें कि टिफिन सर्विस है अवेलेबल तो वो क्या बेस्ट होता है, और आपका फूड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। विंटर्स तो अब कम हो गए, लेकिन विंटर्स में आप हुडी का अरेंजमेंट कर लेना, और थोड़े वार्म मीन्स अराउंड 11 to 12 डिग्री वाले जैकेट्स होते हैं वो लेके आना। जो नॉर्मल जैकेट होते हैं उसका वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यस, ये सब ध्यान रखना 14 डेज क्वारंटीन का। सो दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं नीचे अमेजोन की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। एंड अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लिस्ट भी डाल लूंगा, पूरा लिस्ट आप डाउनलोड कर देना, ड्राइव शेयर कर दूंगा और आप उस हिसाब से अरेंजमेंट कर देना। सो दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।